सामने चुनाव है और एक तरफ महागठबंधन खड़ा है, कांग्रेस पार्टी, नीतीश जी, लालू जी, और दूसरी तरफ बीजेपी और नरेंद्र मोदी जी खड़े। एक साल पहले मोदी जी आपके पास आए और उन्होंने आपसे बहुत वायदे किए थे। आपको याद होगा, लोकसभा के चुनाव से पहले उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान के बाहर बहुत सारा काला धन है, उस काले धन को वापस लाऊंगा और हर गरीब व्यक्ति, हर हिंदुस्तान के व्यक्ति के बैंक अकाउंट में मैं 15 लाख रुपए डालूंगा। यह उनका वायदा था। मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, इस मीटिंग में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए मोदी जी ने डाले? कोई यहां पे है जो हाथ उठा के कह सकता है कि नरेंद्र मोदी जी ने मुझे 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाल के दिए? मैंने यह सवाल अलग अलग प्रदेशों में पूछा, जम्मू कश्मीर में पूछा, मुझे आज तक एक व्यक्ति नहीं दिखाई दिया जिसने कहा कि नरेंद्र मोदी जी ने 15 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डाले। अच्छा, 15 लाख रुपए नहीं डाले, मगर 1000 करोड़ रुपए, हजारों करोड़ रुपए अलग अलग पूंजीपति मित्रों के जेब में तो जरूर डाल दिए उन्होंने। नाम नहीं लेना चाहता हूं, नाम तो अभी लिए गए, बड़े बड़े उद्योगपतियों को, पूंजीपतियों को जरूर पैसा मिला, जरूर फायदा मिला, मगर बिहार के गरीब व्यक्ति को, कमजोर व्यक्ति को, आम आदमी को, युवा को कुछ नहीं मिला। अच्छा, दूसरा वायदा किया था, यहां मुझे युवा दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने कहा था बीजेपी को वोट दो तो मैं हिंदुस्तान के युवा को रोजगार दूंगा। अब यहां कोई ऐसा युवा है जिसको नरेंद्र मोदी जी ने रोजगार दिया? हाथ उठा के दिखा दो मुझे, कौन है यहां पे? किसानों को कहा कि देखो कांग्रेस का समय है, एमएसपी को मैं बढ़ा दूंगा। पंजाब का किसान आत्महत्या कर रहा है, महाराष्ट्र, आंध्रा, तेलंगाना, हरियाणा, अलग अलग प्रदेशों में किसान आत्महत्या कर रहा है। ओला पड़ा, बारिश पड़ी, मगर मोदी जी ने एक शब्द नहीं कहा। एमएसपी बढ़ाने की बात तो छोड़ दो, जब उनका नुकसान हुआ उनको मुआवजा नहीं मिला, उनको मदद भी नहीं की। कहा था कि दाम बहुत बढ़ रहे हैं, दाम मैं कम करूंगा। अच्छा भाई, प्याज का क्या दाम है आज? टमाटर का क्या दाम है आज? दाल का क्या दाम है आज? जब आप रोज खरीदते हो, मोदी जी का वो वायदा याद आता है या नहीं? याद आता है कि मोदी जी ने कहा था दाम कम हो जाएंगे? तो ये जहां भी जाते हैं कुछ ना कुछ वायदा कर जाते हैं। बिहार को स्पेशल स्टेटस दे दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा। अगर स्पेशल स्टेटस देना था तो एक साल से सरकार है, स्पेशल स्टेटस क्यों नहीं दिया? उनको कौन रोक रहा है? चुनाव आया है तो ये भी कह देंगे भैया स्पेशल स्टेटस दे दूंगा। अब देखिए, एक तरफ नीतीश जी हैं, जनता के बीच में जाते हैं, मोदी जी अमेरिका जाते हैं, 16 बार अपने कपड़े बदलते हैं,
कभी ये सूट पहनेंगे, कभी दूसरा सूट पहनेंगे, कभी पीला कपड़ा, कभी हरा कपड़ा, कभी नीला कपड़ा, गुलाबी कपड़ा, नारंगी कपड़ा। नीतीश जी को आपने सफेद को छोड़कर किसी और रंग में देखा है कभी? सूट में देखा है कभी? बूट पहनते हुए देखा है कभी? अच्छा, दूसरी बात बताता हूं, आप देख लो मोदी जी की जितनी भी फोटो आपको दिखाई देंगी उसमें आपको फटे कपड़े वाला कोई नहीं दिखाई देगा, उसमें आपको किसान के जो हाथ फटे होते हैं ना वो आदमी कभी नहीं दिखाई देगा, उसमें मजदूर कभी नहीं दिखाई देगा, उसमें आपको बड़े बड़े उद्योगपति दिखाई देंगे, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट दिखाई देंगे, अमेरिका से अलग अलग लोग दिखाई देंगे, फेसबुक का कोई दिखाई देगा, इंस्टाग्राम का कोई दिखाई देगा, गूगल का, यूट्यूब का दिखाई देगा, मगर हिंदुस्तान का किसान, हिंदुस्तान का मजदूर, हिंदुस्तान का गरीब, हिंदुस्तान का कमजोर नहीं दिखाई देगा। बेरोजगारी की बात होती है, देश को आगे बढ़ाने की बात होती है तो यहां जो युवा आया है उससे बात नहीं करेंगे, किसान से बात नहीं करेंगे, मजदूर से बात नहीं करेंगे, किससे बात करेंगे? पूंजीपति से बात करेंगे। मीटिंग होगी, भैया हिंदुस्तान की इकोनॉमी आगे नहीं बढ़ रही है, चलो बात करते हैं। किससे बात करेंगे? पूंजीपति लोगों से बात करेंगे, ब्यूरोक्रेट से बात करेंगे, जिसको दर्द हो रहा है उसकी बात नहीं सुनेंगे, उसको सिर्फ अपने मन की बात बताएंगे। मोदी जी के मन की बात पूरे हिंदुस्तान को हर रोज बताएंगे, भैया मेरे मन में यह बात है, मेरे मन में वो बात है। अरे भैया उनके मन में क्या बात है वो भी सुन लो। प्रधानमंत्री बने, 15 लाख रुपए का सूट उन्होंने पहन लिया। मैंने पार्लियामेंट में कहा, देखो सूट बूट की सरकार है, अब आप मोदी जी की फोटो देखिए, कहीं भी वो सूट नहीं पहनते। अब कहा भैया लोगों को पता लग गया कि मैं सूट बूट की सरकार चलाता हूं तो मैं अलग 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 कपड़े पहनूंगा मगर सूट नहीं पहनूंगा। अमेरिका भी गए तो अलग अलग रंग के चूड़ीदार कुर्ते पहने मगर सूट नहीं पहना, मगर दिल में उनकी सोच है कि भैया जानकारी इन लोगों के पास है, अमीर लोगों के पास जानकारी है। थोड़ा सा चुटकुला बताता हूं आपको जिससे आपको मोदी जी की सोच पता लगेगी। एक और हिंदुस्तान का होने क्या वाला है वो भी पता लग जाएगा आपको, जब सूट बूट वाले लोग इस देश को चलाएंगे तो हिंदुस्तान का क्या होगा आपको अभी पता लग जाएगा। एक सूट बूट पहना व्यक्ति नदी के किनारे गया, उसको नदी पार करनी थी, वहां उसको मल्ला मिला, मल्ला से उसने कहा भाई मुझे नदी पार करनी है, मुझे ले जाओगे? मल्ला कहता है साहब जरूर ले जाऊंगा, बैठिए। सूट बूट वाले ने सीट साफ की, बैठ गया और नाव शुरू हो गई। 5 मिनट हुए, सूट बूट वाला कहता है भाई बताओ तुमने विज्ञान सीखा है? तो मल्ला कहता है नहीं साहब मैं नाव चला लेता हूं, नदी पार करना जानता हूं मगर विज्ञान नहीं सीखा मैं। सूट बूट वाला कहता है तेरी 25% जिंदगी बर्बाद हो गई। 5 मिनट और होते हैं, सूट बूट वाला कहता है अच्छा भाई बताओ तुमने गणित सीखा, यूनिवर्सिटी में गणित सीखा? साहब गिनती तो कर लेता हूं मगर यूनिवर्सिटी में मैं गणित नहीं सीखा। तेरी 50% जिंदगी बर्बाद हो गई। 15 मिनट और हुए, सूट बूट वाला कहता है अच्छा भाई बताओ तुम जर्मन बोलते हो?
मल्ला कहता है भैया ये क्या बात कर दी आपने, मैं जर्मन कैसे बोलूं, मैं तो यहां काम करता हूं। यार तीन चौथाई जिंदगी तेरी तो बर्बाद हो गई। 5 मिनट और होते हैं, पानी थोड़ा हिलने लगता है, ऊपर आने लगता है। मल्ला घूम के पूछता है, साहब एक बात पूछूं? सुटपुट वाला कहता है हां पूछो, क्या बात है? साहब आप तैरना जानते हो? कैसा है भाई, तैरना तो नहीं जानता, तेरी 100% जिंदगी खत्म हो गई। तो मोदी जी सोचते हैं कि ज्ञान सिर्फ पूंजीपतियों में है, ब्यूरोक्रेट्स में है, जो सूट बूट पहन के घूमते हैं उनमें है, मगर बेरोजगार युवा में, किसान में, इन महिलाओं में, मजदूरों में, इन लोगों में मोदी जी के लिए कुछ ज्ञान नहीं। हम आपको शामिल करने की कोशिश करते हैं। 10 साल सरकार चलाई, मनरेगा लाए, कर्जा माफी की, भोजन का अधिकार लाए, सूचना का अधिकार लाए, क्योंकि हम आपके हाथ मजबूत करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि आप लोग भी शामिल हो। राजस्थान में सरकार चलती है, अस्पतालों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है, अमीर आदमी आसानी से जाकर दवाई ले सकता है, ऑपरेशन कर सकता है, गरीब आदमी को वहां से उठा के बाहर फेंक देते हैं, कहते हैं भैया तेरे पास पैसा है, पैसा नहीं है तो बाहर जाए यहां से। स्कूलों को प्राइवेटाइज किया जा रहा है। अगर आदमी कमजोर है, पैसा नहीं है, तो उसे राजस्थान के स्कूल में, मध्य प्रदेश के स्कूल में, महाराष्ट्र के स्कूल में शिक्षा नहीं मिल सकती है। तो क्या होगा गरीबों का, क्या होगा कमजोर लोगों का, कैसे वो आगे बढ़ेंगे, कैसे उनको शिक्षा मिलेगी, कैसे उनको रोजगार मिलेगा? यह फर्क है हम में और उनमें। नीतीश जी ने बिहार को प्रगति दिखाई, पूरे देश में बिहार की वो उनकी उनने इज्जत बनाई। आप लोग जाते हो महाराष्ट्र में, जाते हो रोजगार ढूंढने, आप महाराष्ट्र गए, महाराष्ट्र में बीजेपी के लोग, शिवसेना के लोग आपको मार के भगाते हैं। यस सर, सही बात है गलत बात? वहां पे मोदी जी यहां वायदा करते हैं और कहते हैं बिहार में ये करूंगा वो करूंगा, और वहां जाके कहते हैं भैया महाराष्ट्र में बीजेपी के लोग कहते हैं कि बिहारियों को बाहर निकालो, और मोदी जी चुप रहते हैं, बिल्कुल एक शब्द नहीं कहते। तो हम चाहते हैं कि यहां बिहार में आपको रोजगार मिले, युवाओं को यहां प्रगति मिले, और इसलिए जो नीतीश जी ने कहा है 7 पॉइंट का जो प्रोग्राम है उनका, शिक्षा का, पानी का, स्वास्थ्य का, इसलिए उन्होंने ये प्रोग्राम का वायदा किया, इसलिए ये इसको लागू करने वाले हैं, और इसमें हम उनका पूरा समर्थन देंगे। 1.5 करोड़ युवाओं को एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज के माध्यम से रोजगार देने में हम मदद करेंगे। युवाओं को बेरोजगारी 1000 रुपए का बेरोजगारी भत्ता देंगे। हर डिस्ट्रिक्ट में एक यूनिवर्सिटी खोलेंगे और हर गरीब व्यक्ति को पानी, बिजली हम दिलवाने की कोशिश करेंगे। मगर एक फर्क हम में, नीतीश जी में, हम में और मोदी जी में जरूर है, जो भी हम स्टेज से कहते हैं हम अपना वायदा पूरा करके दिखाते हैं। हम उल्टे सीधे वायदे नहीं करते हैं, और हम सरकार चलाते हैं तो किसानों की, मजदूरों की, गरीब लोगों की सरकार चलाते हैं। जरूर उद्योगपतियों की जगह है, सब लोगों को जगह, सब लोगों की जगह है, मगर हम में उनमें यह फर्क है कि वो और किसी की सुनते ही नहीं, और किसी के साथ खड़े ही नहीं होते,
और किसी के साथ दिखाई नहीं देते। हम आपके साथ खड़े हैं, हम आपके साथ दिखाई देंगे और हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे और यहां बिहार में महागठबंधन चुनाव जीतेगा और फिर उत्तर प्रदेश में, बाकी हिंदुस्तान में, दिल्ली में, महाराष्ट्र में, हरियाणा में हम बीजेपी को निकाल के भराएंगे। आखिरी बात मैं आपसे कहना चाहता हूं, आप देख लीजिए जहां भी चुनाव होता है बीजेपी सिर्फ एक काम कराती है, चाहे वो बिहार हो, पहले हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, अलग अलग लोगों को वो लड़ाने की कोशिश करती है। हिंदू को मुसलमान से लड़ा देगी, महाराष्ट्र में कहेगी कि बिहारी को यहां से निकालो, उत्तर प्रदेश वालों को यहां से निकालो, जहां भी वो जाते हैं गुस्सा पैदा करते हैं। आपको भाईचारे, भाईचारा और प्यार बढ़ाना है, मिलके सबको काम करना है, प्यार से काम करना है बिहार में, बाकी हिंदुस्तान में, तभी यह देश आगे जाएगा।